बैक टू मूवीज 360। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी 8 लेग फ्रीक्स को। ये एक स्पाइडर सर्वाइवल मूवी है, तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। मूवी के स्टार्ट में हम एक आरजे हार्लिन को देखते हैं जो अपने लिसनर्स को एलियन के अर्थ पर अटैक करने के बारे में बता रहा होता है, और तभी हम एक ड्रंक ट्रक ड्राइवर को उसे सुनता देखते हैं जो टॉक्सिक केमिकल्स लेकर कहीं जा रहा होता है। तभी उसके रास्ते में एक रैबिट आ जाता है जिसे बचाने के चक्कर में उसके ट्रक से एक केमिकल ड्रम गिर जाता है और वो पास के एक तालाब में जाकर लीक हो जाता है। अब उसी दिन हम एक आदमी जोशुआ को उस तालाब के पास देखते हैं जो रोजाना उस तालाब के पास से अपनी स्पाइडर्स के लिए क्रिकेट्स पकड़ता था। फिर हम एक हफ्ते बाद एक बच्चे माइक पार्कर को देखते हैं जो जोशुआ के फार्म पर उससे मिलने आता है, और जब वो माइक से मिलता है तो वो माइक को क्रिकेट्स के बारे में बताता है कि कुछ दिनों से इन्हें खिलाने के बाद से उसकी स्पाइडर्स का साइज बढ़ रहा है और साथ ही उनकी भूख भी बढ़ रही है। और ये बताते वक्त हम देखते हैं कि एक ट्रांचुला अपनी केज से निकल जाती है। फिर जोशुआ उसे अपनी सबसे बड़ी स्पाइडर फीमेल ऑर्ब वीवर को दिखाता है जिसका उसने कॉन्सिला नाम रखा था, और ये मेल के मुकाबले में 3 गुना बड़ी होती है। पर तभी माइक की वॉच बीप करती है तो माइक फौरन अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। फिर माइक के जाने के बाद हम स्पाइडर को जोशुआ के ऊपर देखते हैं जो उसे काट लेती है, और तकलीफ की वजह से जोशुआ से सारे स्पाइडर के केजेस गिरकर टूट जाते हैं और फिर वो स्पाइडर्स जोशुआ पर अटैक करके उसे मार डालते हैं। अब एक हफ्ते बाद हम एक आदमी को बस से टाउन में आता देखते हैं। फिर वो टाउन में एक ओल्ड वुमन ग्लैडियस से मिलता है और उन्हें बताता है कि वो क्रिस है। तो ग्लैडियस उसे पहचान जाती है क्योंकि वो उनका नेफ्यू होता है, और क्रिस अपने डैड मार्क मैककॉर्मिक की डेथ हो जाने पर टाउन वापस आ गया था। अब दूसरे सीन में हम माइक को घर जाता देखते हैं कि तभी वो शेरिफ की गाड़ी देखकर रुक जाता है जहां उसे उसकी मॉम शेरिफ समांथा मिलती है, और वो माइक को बताती है कि इस तालाब का पानी जहरीला हो चुका है तो तुम यहां नहीं खेलना। अब ये सुनते ही माइक जोशुआ को ये बताने के लिए जाने लगता है तो सैम उसे रोक लेती है और उसे लेकर वापस घर जाने लगती है। अब घर जाते वक्त सैम कुछ टीनेजर्स को लापरवाही से बाइक चलाते देखती है तो वो उन्हें रोक कर उनका चालान कर देती है, और उनके साथ सैम की डॉटर एश भी होती है। और सैम एक बाइकर ब्रेट को वार्न करती है कि अगर उसकी बेटी का कुछ भी होता तो वो मुश्किल में आ सकता है। फिर वो एश को अपने साथ चलने का कहती है। अब घर आते ही माइक जोशुआ को कॉल लगाता है, मगर जोशुआ को मरे 1 हफ्ता हो चुका था जिसकी वजह से माइक की कॉल कोई अटेंड नहीं कर पाता। अब शाम में हम टाउन के मॉल में मेयर वेट को देखते हैं जो टाउन के लोगों को कन्विंस कर रहा होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी सेल करके यहाँ से चले जाए क्योंकि ये टाउन कंगाल हो गया है। पर उनमें से कुछ लोगों का मानना था कि इस टाउन की माइंस में गोल्ड है जिससे इस टाउन की किस्मत बदल सकती है। और तभी क्रिस भी वहां पहुंच जाता है, और वो माइंस उसके डैड के बाद क्रिस के नाम पर थी, और वो उन माइंस को बेचने से मना कर देता है। अब मेयर उसे मनाने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो मार के बारे में बुरा भला कहने पर क्रिस के हाथों पिट जाता है। फिर सैम उसे रोकती है और वेट को घर जाने को कहती है, और तभी हम देखते हैं कि सैम और क्रिस के बीच 10 साल पहले कोई रिलेशन था। फिर रात में हम डिप्टी पीच और उसकी वाइफ एमा को देखते हैं, और वहीं उनकी कैट एक बड़ी स्पाइडर को देखकर उसे फॉलो करके ड्राई वॉल में चली जाती है। फिर पीच और एमा कैट की आवाज को वॉल के पीछे से सुनते हैं तो वो कैट फूड से उसे बाहर आने के लिए ललचाते हैं, लेकिन वो शॉक्ड हो जाते हैं जब उन्हें कैट किसी चीज से लड़ती सुनाई देती है। फिर वो परेशान हो जाते हैं जब वो अपनी वॉल पर कैट और स्पाइडर के लड़ने का शो देखते हैं, और फिर लड़ते लड़ते उनकी कैट की आवाज बंद हो जाती है क्योंकि स्पाइडर उसे मार डालती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि माइक अपनी मॉम से बचकर जोशुआ के पास जाने की प्लानिंग कर रहा होता है, और उसी टाइम क्रिस सैम से मिलने पहुंच जाता है। तो माइक को मौका मिल जाता है और वो जोशुआ के फार्म पहुंच जाता है, और वहां वो देखता है कि हर तरफ जाले ही जाले हैं और साथ ही सारी स्पाइडर्स भी गायब हैं। माइक ये देखकर घबरा जाता है और जोशुआ को ढूंढने लगता है, और तभी उसे माइक के पास से एक स्पाइडर का कटा हुआ लेग मिलता है, और तभी उसे वहां एक बहुत बड़ी स्पाइडर दिखाई देती है जिसे देखकर वो डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अब वापस जाते हुए माइक को एक गाड़ी दिखाई देती है जिसमें क्रिस होता है, और माइक उससे टाउन तक जाने के लिए लिफ्ट लेता है। फिर माइक उसे वार्न करता है कि माइंस में बड़ी स्पाइडर्स हैं, और उसे बड़ी स्पाइडर का लेग भी दिखाता है, लेकिन क्रिस उसे बच्चा समझकर इसे मजाक समझता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइंस में एक आदमी काम कर रहा होता है कि तभी पाइप से पानी अचानक आना बंद हो जाता है, जिसके बाद वो अपने मुंह से पानी को खींचने की कोशिश करता है, और इस दौरान उस पाइप के जरिए बहुत सारी स्पाइडर्स उसके मुंह में घुस जाती हैं, और जब वो उल्टी करता है तो कई सारी मकड़ियां उसके मुंह से निकलकर भागने लगती हैं, और तभी यहां एक बड़ी स्पाइडर आती है और उसे मार डालती है। दूसरी तरफ माइक जब घर पहुंचता है तो सैम उसे छुपके से घर में आते पकड़ लेती है। फिर माइक उसे माइंस के अंदर बड़ी स्पाइडर्स के बारे में वार्न करता है, लेकिन सैम को लगता है कि मॉन्स्टर मूवीज देख देख कर उसे वहम हो गया है। और उसी दिन रात में हमें पता चलता है कि वेट माइंस में टॉक्सिक केमिकल्स डलवाता था जिससे माइंस मीथेन गैस से भर गई है, ताकि लोग उसमें काम ना कर पाए, और काम ना होने की वजह से यहां की प्रॉपर्टी सस्ते दामों में उसे सेल करके निकल जाए। अब सुबह हम आरजे हार्लिन को देखते हैं जो टाउन में बहुत से लोगों के एनिमल्स के मिसिंग होने के बारे में बताता है।
फिर हम ऐश को ब्रेट के साथ देखते हैं जहां उन दोनों में किसी बात पर बहस होने लगती है और जब ब्रेट ऐश की नहीं सुनता तो वो उसे टेजर से शॉक देकर गाड़ी से गिरा देती है और उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। और तभी ब्रेट देखता है कि वहाँ बहुत सारी जंपिंग स्पाइडर्स आ गई हैं और उन्हें देखते ही वो अपने दोस्तों को वार्न करता है, लेकिन तभी एक स्पाइडर एक लड़के पर अटैक कर देती है और ये देखते ही वो सब अपनी बाइक्स पर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन जंपिंग स्पाइडर्स उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं और एक एक करके उन्हें अपना निशाना बनाने लगती हैं। और अब ये स्पाइडर्स इतनी बड़ी हो गई थी इसीलिए उन्हें खाने के लिए भी बड़ी चीज चाहिए और इंसान उनके लिए परफेक्ट मील है। अब अकेला बस ब्रेड ही बचता है तो वो एक फ्यूल ट्रक के पास से निकलता है और स्मेल की वजह से स्पाइडर्स उस पर चढ़ जाती हैं और वो ट्रक सीधा टाउन की फोन लाइंस में क्रैश हो जाता है जिसकी वजह से टाउन का बाहर के लोगों से कनेक्शन टूट जाता है। अब ब्रेड को लगता है कि वो स्पाइडर्स भी मारी गई हैं, पर तभी वहाँ और स्पाइडर्स आ जाती हैं तो ब्रेड वहाँ से भागता है और माइंस की एंट्रेंस को डिस्ट्रॉय करके उन्हें अंदर आने से रोक लेता है और फिर दूसरा एग्जिट ढूंढने लग जाता है। अब टाउन में हम आंच ग्लैडियस को देखते हैं जो अपने डॉग के लिए खाना ढूंढ रही होती है और तभी डॉग को बेसमेंट में कोई गड़बड़ लगती है और हम देखते हैं कि वहाँ एक बहुत बड़ा होल था जो माइंस से कनेक्टेड था और तभी एक स्पाइडर डॉग पर हमला करके उसे ले जाती है। अब आंट ग्लैडियस उसकी आवाज सुनकर बेसमेंट में आ जाती है और वो वहाँ टनल देखकर शॉक हो जाती है और जब वो अंदर जाती है तो उन्हें स्पाइडर्स घेर लेती है और उन्हें कोकून में लपेट लेती है। अब कुछ टाइम बाद क्रिस जब घर आता है तो वो आंट को ढूंढते हुए बेसमेंट में पहुंच जाता है और वहां उसे एंट्रेंस के पास से वैसा ही लेकिन बड़ा स्पाइडर लेग मिलता है जो माइक ने उसे दिखाया था। फिर वो उसे लेकर सैम के घर भागता है। अब वहां पहुंचकर वो माइक को स्पाइडर का लेग दिखाता है और उसे एनालाइज करने के बाद माइक बताता है कि स्पाइडर्स अब और भी बड़ी हो गई हैं। वहीं सैम कंफ्यूज होती है कि ये सब हो क्या रहा है। और वहीं हम ऐश को अपने रूम में देखते हैं जहां उसके रूम में एक स्पाइडर आ जाती है और वो उस पर हमला कर देती है। अब उसके चीख सुनकर वो सब अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि वो स्पाइडर ऐश को अपने जाल में फंसा रहा होता है। अब ये देखते ही क्रिस उसे भगाने लगता है लेकिन उल्टा वो भी स्पाइडर के जाले में फंस जाता है और तब तक सैम एक शॉटगन ले आती है और उससे वो स्पाइडर को मार डालती है और उन दोनों को बचा लेती है। इसके बाद सैम डेप्टी पीट को रेडियो से कॉन्टेक्ट करके उसे सारे वेपन्स को उसके घर पर लाने को कहती है। फिर वो टाउन के लोगों को वार्न कैसे करे इस बारे में सोचने लगती है और तभी माइक कहता है कि हम रेडियो से सबको बता सकते हैं। और तभी पीट भी वहाँ पहुँच जाता है पर उसे फॉलो करते हुए जंपिंग स्पाइडर्स भी वहाँ आ जाती हैं और स्पाइडर को देखते ही सैम उसे शूट कर देती है। फिर वो सब उसकी गाड़ी में बैठकर हार्लिन की तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि स्पाइडर्स अब टाउन में एंटर हो चुकी थी। अब वो लोग हार्लिन के पास पहुंच जाते हैं जहां सैम रेडियो से सबको बड़ी स्पाइडर्स का बताती है और उन्हें फौरन टाउन के मॉल पहुंचने का कहती है, पर टाउन के लोग इस बात को मजाक में लेने लगते हैं और तभी हार्लिन के ट्रेलर पर एक जायंट ट्रेंचुला अटैक कर देता है और वो उस ट्रेलर को पलट देता है जिससे उन्हें भागने का मौका मिल जाता है और वो सब वहां से जिंदा निकल जाते हैं। दूसरी तरफ टाउन में जब लोग अपने आसपास उन स्पाइडर्स को देखते हैं तो उन्हें सैम की बातों पर यकीन हो जाता है और वो सब सीधा मॉल की तरफ भागने लगते हैं। वहीं अब मॉल पर सैम भी बाकियों के साथ पहुंच जाती है और तभी टाउन वाले भी वहां पहुंच रहे होते हैं, लेकिन वो स्पाइडर्स उन लोगों का पीछा करते करते यहां तक आ गई थी और वो लोगों पर हमला करने लगती है। और जब सब मॉल के अंदर आ जाते हैं तो वो मॉल के सभी दरवाजों को बंद कर देते हैं। अब वो सभी लोग पैनिक में होते हैं कि उन जायंट स्पाइडर से कैसा बचा जाए। फिर वो लोग आर्मी से हेल्प मांगने का सोचते हैं पर फोन लाइन सारी डेड थी तो वेट उन्हें अपना सैटेलाइट फोन देता है, लेकिन उसके लिए उन्हें हायर लेवल पर जाना पड़ेगा और इस काम को करने के लिए क्रिस और हेलन छत पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और जब वो दोनों छत पर जाने लगते हैं तो माइक क्रिस को परफ्यूम्स देता है और बताता है कि स्पाइडर्स के सूंघने की सेंस बहुत तेज होती है तो इससे वो कुछ देर तक चक्कर में आ जाएंगे। अब क्रिस और हेलन छत पर आकर टावर पर चढ़ने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि एक जायंट ट्रेंचुला मॉल के गेट को तोड़ने लगती है। अब क्रिस और हेलन को छत पर स्पाइडर्स घेर लेती हैं और क्रिस 911 को कॉल लगाने में कामयाब हो जाता है पर ऑपरेटर उसकी जायंट स्पाइडर्स की स्टोरी को एक प्रैंक समझकर कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ जायंट ट्रेंचुला गेट को तोड़ देता है जिसकी वजह से सारी जायंट स्पाइडर्स मॉल के अंदर आ जाती हैं। फिर टाउन पीपल्स वर्सेस जायंट स्पाइडर्स होने लगता है लेकिन इसमें स्पाइडर्स उन पर भारी पड़ने लगती हैं और टाउन के लोग इसमें हारने लगते हैं तो सैम बाकी बचे लोगों को लेकर स्टोरेज रूम की तरफ बढ़ने लगती है और पीट उनसे अलग हो जाता है और वो दूसरी तरफ भागता है। वहीं ऊपर वो स्पाइडर्स क्रिस और हेलन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती हैं पर हेलन स्पाइडर्स के ध्यान हटाने के लिए उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उनका शिकार बनने के बजाय छत से कूद जाता है पर झाड़ियों में गिरने से उसकी जान बच जाती है जहां उसे पीट मिल जाता है और वो दोनों मॉल से दूर भागते हैं। वहीं ऊपर अब स्पाइडर्स क्रिस की तरफ बढ़ती हैं तो वो वहां जिपलाइन का यूज करके वेंट से भाग निकलता है और उसे सैम मिल जाती है। फिर वो सब स्टोरेज रूम पहुंचते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि माइंस की तरफ जाने वाले रास्ते को वेट दूसरी तरफ से लॉक करके चला गया है। दूसरी तरफ हम वेट को देखते हैं जैसे माइंस में अपना बेटा ब्रेट मिल जाता है और वो उसके साथ बाइक पर भागने लगता है पर तभी उसे एक स्पाइडर पकड़ लेती है और ब्रेट पैनिक में आकर वहां से भाग जाता है।
अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रेड मॉल के रास्ते को तोड़कर अंदर आ जाता है और दूसरे लोग उसके पीछे आने वाली स्पाइडर्स को मार डालते हैं। फिर वो सब इस माइन के रास्ते से बाहर निकलने का डिसाइड करते हैं और सैम स्पाइडर्स के आने वाले दरवाजे को ब्लॉक कर देती है। अब माइन में क्रिस सबको गन चलाने से मना करता है क्योंकि यहाँ मीथेन गैस होने की वजह से पूरी माइन में आग लग सकती है। अब आगे जाकर एक आदमी पर स्पाइडर अटैक कर देती है और उसे ले जाती है और एक दूसरी स्पाइडर उनके रास्ते में आ जाती है तो सैम उसे क्रॉसबो से शूट करके उसे मार डालती है। फिर वो दूसरे रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं और वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि ये पूरा रास्ता जालों से भरा हुआ था और यहाँ कई सारी डेड बॉडीज कुकून में बंद थी। और तभी उन्हें कुकून में वेड जिंदा मिल जाता है और दूसरी तरफ मॉल वाली स्पाइडर्स भी दरवाजा तोड़कर उनके पीछे आने लगती हैं। वहीं अब क्रिस को लगता है कि उसकी आंट ग्लैडिस भी जिंदा हो सकती है तो वो उन्हें ढूंढने के लिए रुकता है और सैम से वो कहता है कि यहाँ मीथेन गैस भरी हुई है तो वो बाहर जाकर जनरेटर ऑन कर दे। और सैम क्रिस का प्लान समझ जाती है और वहीं क्रिस सैम को बता देता है कि वो उसे पसंद करता है। फिर सैम सबको लेकर बाहर की तरफ बढ़ने लगती है। फिर क्रिस अपनी आंट को ढूंढने लग जाता है और फाइनली उसे अपनी आंट मिल ही जाती है और उसी के साथ उन्हें माइंस में मौजूद गोल्ड भी मिल जाता है। अब वो दोनों वहां से निकलने लगते हैं कि तभी वहां जायंट फीमेल स्पाइडर कॉन्सिला आ जाती है और उसे देखकर क्रिस और आंट ग्लैडिस काफी डर जाते हैं। और तभी क्रिस को माइक के परफ्यूम्स का याद आता है तो वो उसका यूज कॉन्सिला पर करता है जिससे वो चकरा जाती है और उन दोनों को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। और वहां से निकलने से पहले क्रिस मैच स्टिक्स को एक बल्ब के पास रख देता है जिससे जनरेटर ऑन होने पर इस पर आग लग जाएगी और मीथेन गैस के होने की वजह से पूरी माइंस में आग लग जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम और बाकी लोग उस माइंस से सही सलामत बाहर निकल आते हैं और बाहर आने के बाद सैम उस जनरेटर को ऑन कर देती है और उसके ऑन होते ही उस मैच स्टिक्स में आग लग जाती है जिसकी वजह से पूरी माइंस में आग फैलने लग जाती है और इसमें सभी स्पाइडर्स जलकर मारी जाती है। वहीं क्रिस और आंट उस आग से बचकर माइंस से निकल आते हैं और दोनों ही बच जाते हैं। अब हम देखते हैं कि डेप्टी पीटर हार्लिन हेल्प लेकर पहुंच जाते हैं और फिर क्रिस सैम को शादी के लिए प्रपोज करता है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइज आप लोग को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दें और मजीद मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।